तो यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो यहाँ पे बारिश जो है कि गर्मी यहाँ पे कितनी ज़्यादा पड़ती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ इन यूके इन 12 मंथ्स, मतलब जनवरी टू दिसंबर तक यहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी होती है, सारे वेदर्स में, सारे टाइप के फेस्टिवल्स में, सीजन्स में, और भी बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी बनेगा और साथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बनेगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक ज़रूर देखे, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा आज की इस वीडियो से और आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये वीडियो। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यूके में जाए या नहीं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि यहाँ यूके में आने के बाद हम कैसे सरवाइव करेंगे, सरवाइव कर पाएंगे अभी नहीं कर पाएंगे, कैसे सारे इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ना बहुत सारे सवाल जो है दिमाग में घूमते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो से वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो फर्स्ट बात करते हैं यहाँ के वेदर के बारे में, क्योंकि सबके मन में सवाल यही होता है कि यूके का वेदर कैसा होता है, क्या यूके का वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडा होता है जैसे कि कनाडा वगैरह का होता है, या फिर यहाँ पे आके आप सर्वाइव कर पाओगे। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यहाँ का वेदर जो है चेंज होता रहता है। यहाँ के वेदर के हिसाब से लोग जो है अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, हर वेदर में अलग अलग टाइप के कुछ कुछ फूड्स, जैसे इंडिया में आए तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग सीजन में यहाँ पर मिलती है। यहाँ का जो वेदर है ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, आप अभी मतलब एक ही दिन में आपको धूप, छांव, बारिश, ठंड, गर्मी सब मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जब भी लोग मतलब बाहर निकलते हैं घर से, तो हमेशा एक जैकेट कैरी करके ही निकलते हैं, और यहाँ का जो जैकेट है वो कंपैटिबल होता है रेन के लिए भी, तो ठंड से भी बचाएगा, रेन से भी बचाएगा, और साथ में यहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा विंडी भी होता है, किसी किसी दिन में बहुत ज़्यादा हवा चलता है यहाँ पे, तो मतलब छाता भी अगर आप लेके निकल रहे हो रेनी डे में तो इतना ज़्यादा विंड रहता है कि छाता भी उलट के टूट जाएगा। तो इसलिए जनवरी से लेके दिसंबर तक में जो यहाँ पे चार सीजन्स में डिवाइडेड होते हैं जो सीजन्स हैं यहाँ के, तो यहाँ पे जो सीजन्स है जैसे अभी समर चल रहा है तो समर से ही स्टार्ट करते हैं, तो जून, जुलाई और अगस्त ये होता है यहाँ पे समर टाइम, जहाँ जब यहाँ यूके में थोड़ी सी गर्मी पड़ती है, कई बार यहाँ पे हीट वेव्स भी चलते हैं। इस साल का जो समर है वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, किसी किसी दिन गर्मी ज़्यादा लग रही है और किसी किसी दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। यहाँ पर लोग गार्डनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बारबेक्यूज कर सकते हैं, इस समय वेदर इतना अच्छा रहता है और रात को 9, 9:30, 10 बजे तक अंधेरा होता है, गर्म रहता है, तो उसके लिए बच्चे भी फिर गार्डन में अपना स्विमिंग पूल सेटअप करके, और फिर वहाँ पर बड़े लोग भी, अगर बड़ा स्विमिंग पूल हुआ तो फिर बड़े लोग भी एंजॉय करते हैं, अगर बच्चों के लिए है तो वो हवा हवा भर के उस तरह का स्विमिंग पूल मिलता है। इवन बच्चों के स्कूल में भी स्विमिंग पूल डे सेलिब्रेट होता है, इवन बीच डे भी सेलिब्रेट बोलते हैं उसको, तो उनको उस दिन स्विमिंग कॉस्ट्यूम अपना लेके जाना रहता है, हैट, सनस्क्रीन और ये सब बच्चों को बोलते हैं कि आप लेके, और वहाँ पर पूरा सैंड वैंड सेटअप भी बहुत मस्ती होता है वहाँ पर। दूसरी चीज ये है कि समर के टाइम पे क्योंकि बहुत ज्यादा दिन बड़ा होता है और ठंड कम हो जाती है यहाँ पे, तो मैक्सिमम टाइम ठंड होता है, उसकी वजह से लोग थोड़ा सा मतलब एक चीज बहुत लंबे समय तक रहने से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, तो ठंड रहते रहते भी अनकंफर्टेबल लगता है। जैसे ही समर आता है तो लोग एकदम फ्री हो जाते हैं, कपड़े वपड़े भी एकदम कूल काल टाइप का यहाँ पे पहन के घूमते हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ पे साइकिलिंग बहुत ज्यादा करते हैं समर के टाइम पे, फुल फैमिली आपको यहाँ पे साइकिलिंग ट्रैक बने होते हैं अलग अलग, तो फुल फैमिली आपको दिख जाएंगे कि साइकिलिंग पर निकले हैं, पिकनिक काइंड ऑफ सारा स्टफ्स पैक करके साइकिलिंग पर निकलते हैं, जहां भी उनको पिकनिक जैसा मिलता है वहां बैठ के खाते हैं, फिर आगे साइकिलिंग करते हैं, अलग अलग स्पॉट्स में जाते हैं, तो साइकिलिंग बहुत मजे करते हैं। तो हम लोग भी इवन साइकिलिंग बहुत ज्यादा जाते हैं करने, छोटा बच्चा है तो पीछे आप साइकिल सीट लगा के और उसके बाद साइकिलिंग में सब हेलमेट पहन के ड्रेस पहन के पिकनिक मनाने, या फिर ऐसे ही बहुत सारे रोड पे भी आपका साइकिलिंग का अलग ट्रैक बना रहता है। यहाँ पर कैंपिंग बहुत होता है, बहुत सारे कंट्री साइड में बहुत सारे ऐसे स्पेस रहते हैं, या फिर वुड्स में जो भी फॉरेस्ट में भी लोग कैंपिंग करते हैं, कारावैन वगैरह में इस टाइम पे कारावैन हायर करने के लिए भी मिलता है, तो आप हायर भी करके जा सकते हो आराम से, और कारावैन स्टॉपिंग का अलग अलग लोकेशन रहता है, उस जगह में जाके आप कारावैन अपना पार्क कर लो और उसके बाद आप वहाँ पे जितने भी दिन रहना है रह लो, पानी वगैरह भी भरने का रहता है, शार्क का भी वहाँ पे रहता है अरेंजमेंट, तो इस टाइप का आप बहुत ज्यादा मतलब फन करते हैं समर के टाइम पे, और बहुत अच्छा हो जाता है समर के टाइम पे, जॉगिंग एक्सरसाइज भी आपको अलग अलग
अलग ग्रुप्स दिखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, बहुत सारे टाइप के। यूरोप काफी क्लोज है तो यूरोप के कंट्रीज में जाते हैं पहले से टिकट विकेट होटल वोटल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर यूएस भी बहुत कोई जाते हैं, तो फिर काफी हैपनिंग रहता है और लोग पहले से ही पूरा इस समर का पूरा थ्रू आउट ईयर में प्लान करके रखते हैं कि ये 3 महीना हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। इसलिए अगर आप सिर्फ घूमने के लिए भी यहाँ यूके आना चाहते हो तो बेस्ट सीजन जो है यहाँ का समर टाइम है। फिर समर के टाइम पे सारे टाइप के अट्रैक्शंस खुले भी मिलेंगे आपको, हाँ। और बहुत कुछ अच्छा भी मतलब करने के लिए बहुत कुछ रहता है, और वेदर भी आपको काफी ज्यादा अच्छा मिलेगा यहाँ पे। सो अब बात करते हैं समर में कितना ज्यादा समर रहता है, यानी कि गर्मी यहाँ पे कितनी ज्यादा पड़ती है। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि क्या कूलर या एसी की जरूरत है? तो यहाँ पे कूलर या एसी लोगों के घर पे नहीं होते हैं नॉर्मली। हाँ, अभी कुछ साल से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी है, इसलिए कूलर यहाँ पे बिकने लगे हैं। तो जैसे ही समर का टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा हाई रेट में यहाँ पे आपको कूलर जो है मिल जाएंगे, और एसी यहाँ पर बहुत मतलब रेयर ही होता है, किसी किसी के घर में ही हमने एसी देखा है। अदरवाइज एसी की ज़रूरत यहाँ पे उतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है कि एसी लगाना पड़े आपको, कूलर से काम चल जाता है। पहले तो गर्मी पड़ता ही नहीं था, इसके लिए यहाँ के घर उस तरह से मतलब इंडिया में जैसे वो सीलिंग फैन है उस तरह का कुछ सेटअप दिया नहीं है। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जैसे जैसे ग्लोबल पोल्यूशन और ये सब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उस हिसाब से गर्मी और ज्यादा हो जा रहा है। तो उसके लिए पहले फैन बिकना शुरू हुआ था, तो फैन वो पेडेस्टाइल वाले फैन है, आप प्लग पॉइंट में डाल के चलाएंगे, फिर वो धीरे धीरे फिर वो भी अभी थोड़ा थोड़ा एसी और ये सब भी सेल करना नॉर्मली फैन मतलब कूलर सेल होता है। हाँ, नॉर्मली फैन से काम चल जाता है, जैसे हमारे यहाँ भी वो पेडेस्टाइल फैन जो है वो वही है, लेकिन कूलर भी हमने देखा है आजकल सेल होते हुए। बट एसी मतलब बहुत ज्यादा रेयर ही है, एसी नॉर्मली लोगों के घर में नहीं होता है, कूलर भी इवन बहुत सबके घर में नहीं होता है, कूलर भी बहुत रेयर ही है देखने को मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली 2 से 3 वीक का मैक्सिमम वो एक्सट्रीम वाला गर्मी है, जब मतलब फैन की जरूरत पड़ेगी वो 2 से 3 और यहाँ पे गर्मी इसलिए ज्यादा लगती है, अगर आप कंपेयर करोगे टेम्परेचर में तो आपको लगेगा कि इंडिया तो इससे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो लोगों को ज्यादा मतलब वहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर जो गर्मी जो टेम्परेचर आपको दिखाएगा ना, फील्स लाइक उससे ज्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि इसका रीजन यह है कि घर जो है बिल्कुल बंद बंद से होते हैं, खिड़कियां भी पूरी खुलती नहीं है, तो उसकी वजह से क्योंकि यहाँ का वेदर ही ठंडा वाला है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम समय ठंडा रहता है, तो इसलिए यहाँ के घर भी कोल्ड मतलब विंटर कंपैटिबल बने हुए हैं। यहाँ के विंडोज में भी डबल प्लेटेड है, और उसके बाद फिर वॉल भी वैसे बने हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम होता है। और गर्मी का जो वो एक्सट्रीम जो वो 2-3 वीक होता है वो अनफॉर्चुनेटली उस समय देखते हैं कि हवा भी नहीं चलता है, तो उसके लिए और भी ज्यादा गर्मी लगता है, मतलब बहुत ज्यादा उमस सा होने लगता है। तो फैन यहाँ पे इजीली सारे ही जितने भी शॉप्स है यहाँ पे जैसे सेंसबरी एजडा वगैरह में मिल जाएगा, या ऑनलाइन भी आपको इजीली मिल जाएगा, तो फैन से ही लोगों का काम चल जाता है। और यहाँ पे बच्चों की जो स्कूल की छुट्टियां हैं या समर वैकेशन जो है वो जुलाई से स्टार्ट होता है, और अगस्त पूरा छुट्टी रहता है, और जुलाई में भी शायद 14 या 15 से छुट्टियां लगती है, फिर अगस्त पूरा छुट्टी रहता है, और सेप्टेम्बर के 5 तारीख को अर्ली सेप्टेम्बर नॉर्मली 4, 5 या 6 मंडे देख करके उस हिसाब से यहाँ पे स्कूल खुल जाते हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर होता है ऑटम का टाइम, जब आपको मतलब यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का वेदर डिफरेंट टाइप का सीजन देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है विंटर का टाइम जो कि होता है दिसंबर, जनवरी और फरवरी, जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, स्नोफॉल भी होता है कई बार, और दिन जो है छोटा हो जाता है यहाँ पे, जल्दी अंधेरा होता है, और दिन मतलब रात जो है लंबे टाइम का रहता है, अंधेरा ज़्यादा टाइम तक रहता है यहाँ पे, करीबन दोपहर में 3 बजे तक ही अंधेरा हो जाता है, और अगले दिन मॉर्निंग में भी काफी लेट से 9-10 बजे तक सनराइज होता है। तो दिन जो है बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों मतलब डल हो जाता है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हैपनिंग नहीं होता है, लेकिन उसका भी अपना अलग, उस टाइम का अलग फेस्टिवल्स है और अलग टाइप का माहौल है, वो भी हम आपके साथ डिटेल में अभी धीरे धीरे बात करेंगे। मार्च, अप्रैल और मई का जो महीना है वो स्प्रिंग होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मतलब सब तरफ में आपको ग्रीनरी दिखेगा, फूल खिले हुए दिखेंगे, और बहुत सुंदर हो जाता है उस टाइम पे, हल्की सी ठंड होती है, दिन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है, और समर के टाइम पे यहाँ पे दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो मैं बताना भूल गई थी समर वाले में, तो समर के टाइम पे दिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लंबे मतलब रात को 9-10 बजे तक, 9 तो छोड़ दो 9:30-10:30 बजे तक भी अंधेरा, मतलब उस टाइम तक ऐसा लगेगा कि शाम हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे फिर अंधेरा होता है, तो रात के 10-10:30 बजे तक अंधेरा होता है यहाँ पे, और दिन काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पे लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं सीज़न को, वेदर को, बच्चे भी मतलब बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़
बच्चों के लिए होती है उस टाइम पे सब तरफ में। तो समर यहाँ का बहुत ज़्यादा हैपनिंग है अगर आप कंपेयर करो बाकी सीजन में से। ठंड का अपना एक अलग सुंदरता है, स्नो देखने को मिलेगा, ठंड रहता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर काफ़ी फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं थ्रू आउट द ईयर, और उसका सारा लिस्ट आप एक बार बैंक हॉलीडे ओपन करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा। नॉर्मली आपको 10 या 12 यहाँ पर बैंक हॉलीडे होते हैं, और उसमें से मेन जो है जैसे आपका ईस्टर हुआ, गुड फ्राइडे हुआ, हैलोवीन हुआ। हैलोवीन यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है स्पेशली बच्चों के लिए, वो है वो वेट करते हैं थ्रू आउट द ईयर। और उसके बाद फिर आपका क्रिसमस हो गया, और क्रिसमस में ड्रेस वेस पहनने के लिए काफ़ी ड्रेस की ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा, दिवाली में लोग शॉपिंग करते हैं कपड़े, यहाँ पर मेनली क्रिसमस के समय में शॉपिंग करते हैं, और एक समर के टाइम का भी शॉपिंग होता है। तो समर में भी अलग समर कलेक्शन आता है और उसमें भी डिस्काउंट्स रहते हैं, तो लोग पूरा मतलब भीड़ उमड़ पड़ता है एकदम सब शॉपिंग करने के लिए। और उस तरह से यहाँ पर विंटर कलेक्शन भी आता है, और विंटर में भी डिस्काउंट्स आपके बॉक्सिंग डे में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलते हैं, और उसके बाद ही क्रिसमस आ जाता है ब्लैक फ्राइडे, तो उस समय भी लोग काफ़ी शॉपिंग करते हैं और उसके बाद फिर क्रिसमस का मजा लेते हैं। नॉर्मली लोग जो है ये सेल के टाइम पे ही शॉपिंग करते हैं, बॉक्सिंग डे सेल या ब्लैक फ्राइडे सेल, या फिर यहाँ पे किलो सेल भी बहुत ज़्यादा फेमस है। हर सिटी में ही किलो सेल लगता है, तो वो भी आप सर्च करना थोड़ा सा गूगल में तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ के लोग इन सब टाइम पे ही शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक और फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, उसको बोलते हैं रेड नोज डे। तो वो आप गूगल करना, बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे वरना वीडियो फिर से बड़ा हो जाएगा। तो रेड नोज डे में लोग लाल रंग का नाक खरीद के लगाते हैं उस दिन, और दिन भर नाक लगा के ही घूमते हैं यहाँ पे। बच्चे लोग स्पेशली बहुत ज़्यादा मतलब मज़े करते हैं उस टाइम पे। अभी चलते हैं विंटर में। अभी विंटर में क्या होता है कि विंटर तो यहाँ पर हमेशा ही रहता है, लेकिन नॉर्मली आपका ये जनवरी दिसंबर जनवरी फरवरी आपका उस समय ठंडा सबसे ज़्यादा पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कहा कि पहले कहा कि ये विंटर कंपैटिबल हाउसेस रहते हैं, इसके लिए ठंडा यहाँ पर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है एज़ फार एज आप घर के अंदर हैं। घर के अंदर हीटिंग वीटिंग हर तरफ लगा रहता है, हर टैप में आपका नॉर्मली गर्म पानी आता ही है, उस हिसाब से आपको पानी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाहर अगर जाएंगे तो बाहर के लिए नॉर्मली लोग कार से जाते हैं या फिर बस, हर जगह हीटिंग चलता है। और अगर आप मॉल में भी हीटिंग चलता है, और अगर आप रास्ते में वॉक कर रहे हैं तो यहाँ के जैकेट्स भी उस हिसाब से कंपैटिबल बने रहते हैं। तो नॉर्मली विंटर बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन विंटर में प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब कनाडा जैसा उतना एक्सट्रीम भी क्लाइमेट यहाँ पे नहीं रहता है कि एकदम स्नो से भर गया, स्नो वाला कीचड़ हो गया, वैसे टाइप का भी नहीं होता है। देखा है कि स्नो पड़ता है, लेकिन वही 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसा स्नो होता है, लेकिन क्वांटिटी काफी कम रहती है। स्नो का आप एंजॉय ले सकते हो, लेकिन स्नो से आप परेशान नहीं होगे। जैसे कनाडा में लोग जो है स्नो देख देख के परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, वैसा नहीं है। ठंड काफी रहता है, -डिग्री में यहाँ पे रहता है, लेकिन मैनेजेबल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ यूके के वेदर में आके सेट हो पाएंगे या नहीं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बच्चे को लेके जाके सेट हो पाएंगे या नहीं, तो डेफिनेटली आप आराम से सेट हो जाओगे। बहुत ज्यादा ठंड मतलब इतना भी नहीं, 2-5 दिन। हम लोग तो लास्ट 5 साल में मैक्सिमम 5 दिन से ज्यादा तो स्नो कभी भी नहीं देखे हैं। थोड़ा थोड़ा होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर होता है, फिर बंद हो जाता है, इस टाइप का स्नो यहाँ पे रहता है। और बाकी यहाँ पर अगर आप स्कॉटलैंड साइड में जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्नो देखने को मिलेगा, क्योंकि स्कॉटलैंड का टेम्परेचर यहाँ से कम है, वहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ ज्यादा बारिश होता है, वहाँ पे स्नो भी ज्यादा पड़ती है। तो इंग्लैंड में कम होता है, स्कॉटलैंड में ज्यादा। और बाकी यहाँ पर ठंडा जैसे बोला कि काफी मोनोटोनस और काफी बोरिंग सा होता है, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है, उसके लिए इसलिए लोग बाहर निकलते नहीं है। तो हमेशा ही आपको ऐसा स्ट्राइक टाइप का ही माहौल लगेगा इंडिया जैसा। विंटर के टाइम पे लोग डिप्रेशन में भी बहुत ज्यादा जाते हैं, यहाँ पे ये होता है कि ठंड के टाइम पे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। बट हम एशियंस की अगर बात करें तो हमारा उस टाइम पे हम अपने मतलब कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाते हो, जैसे हम लोग इंडियन है तो इंडियन कम्युनिटी में अगर हम ज्वाइन हो गए तो वहाँ पर भी सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो आप वहाँ पे जाके आराम से एंटरटेन हो सकते हो। दूसरी अगर बात करें यहाँ पर फेस्टिवल्स की, तो फेस्टिवल्स यहाँ पे ठंड के टाइम पे जो सबसे मेन फेस्टिवल है, शिव ने बताया है कि क्रिसमस का वाइब्स यहाँ पे काफी पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। क्रिसमस मार्केट लग जाते हैं, तो हमने ऑलरेडी क्रिसमस का वीडियो शेयर किया हुआ है विंटर वंडरलैंड का, हमारे चैनल बी हैप्पी पर, तो आप उसको जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्रिसमस मार्केट कैसे होते हैं। और अक्टूबर के मंथ में यहाँ पे हैलोवीन होता है, तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा ऑलरेडी शिव ने बता दिया, तो वहाँ पे उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा डेकोरेशन लोग 2-3 दिन से करना शुरू कर देते हैं, तो एक माहौल रहता है हमेशा। और उसके बाद क्रिसमस
का शॉपिंग और क्रिसमस मार्केट, विंटर वंडरलैंड, तो ये सब में उस टाइम पे ऐसे वेदर के हिसाब से आप देखोगे तो थोड़ा सा डल रहता है, लेकिन उस टाइम पे इसीलिए लोगों ने ऐसा फेस्टिवल अपना बना के रखा है कि क्योंकि वेदर कंपेटेबल नहीं है, डल हो जाता है इंसान, डिप्रेशन में चल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे उस टाइम पे लाइटिंग कर देते हैं क्रिसमस का चारों तरफ में डेकोरेशन, क्रिसमस मार्केट सब तरफ में कुछ ना कुछ ये सब मतलब एक्टिविटीज और ये सब जो है फन लाइटिंग और प्रोग्राम्स वगैरह चलते रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे उस टाइम पे भी एंटरटेन हो सकते हो या फिर आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे उस टाइप का फेस्टिवल्स जो है लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन लेकिन आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड हैं तो हाँ। फिर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली यहाँ पर बैंक हॉलीडेज सबके लिए बैंक हॉलीडे है, तो नॉर्मली क्रिसमस और क्रिसमस के पहले वाले दिन सॉरी उसके बाद वाले दिन मतलब 25th और 26th को और 1st जनवरी को ये 3 दिन कम्प्लीटली सारे बसेस बंद रहते हैं, बस सर्विस, और 27 से 30 तक आपका संडे सर्विस एक बोलते हैं, मतलब आपका कुछ फ्रीक्वेंसी बाद बाद मतलब 2 घंटा बाद बाद आपका बस मतलब वो चेंज होता रहता है। आप जब यहाँ पे आओगे तो आप अपने सिटी के हिसाब से बस सर्विस चेक कर लेना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे जो क्रिसमस वाला दिन है, क्रिसमस वाले दिन सारे बस सर्विस जो है बंद रहते हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा देख वेख के ही जाना क्योंकि यहाँ पे बस सर्विस आपको नहीं मिलेंगे, तो या तो आपको टैक्सी कैब वगैरह करना पड़ेगा या फिर अगर आपके पास खुद का कार है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप आराम से जा सकते हो। और क्रिसमस के टाइम पे लोग नॉर्मली अपने हाउस में डेकोरेशन करते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं और घर के ही लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो नॉर्मली लोग यहाँ पे बाहर बाहर जितना घूमना है क्रिसमस के पहले तक घूम लेते हैं और क्रिसमस वाले दिन यहाँ पे लोग अपना घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे विंटर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है तो इसलिए नॉर्मली रास्ते में बहुत कम ही लोग दिखेंगे, आपको ऐसा लगता है कि कर्फ्यू लग गया है, साइकिलिंग जॉगिंग भी बहुत ज़्यादा मतलब दिखते ही नहीं उस टाइम पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है तो इतना बोझा जैकेट मतलब चढ़ा के और ये सब कंफर्टेबल नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगी उस टाइम पे। तो अगर बात करें बारिश की तो यहाँ पे बारिश जो है साल भर ही बारिश होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई ऐसा रेनी सीज़न नहीं है जैसे इंडिया में हमारा रेनी सीज़न है कि जुलाई और अगस्त वाला जो मंथ है रेनी सीज़न वाला होता है, बट यहाँ पे जो है रेनी सीज़न ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, यहाँ पे साल भर ही पानी होता है। जहाँ गर्मी के मौसम में भी अगर जिस दिन एक्सट्रीम गर्मी पड़ जाए तो हमको पता रहता है कि अगले दिन पक्का बारिश होने वाली है, तो यहाँ पे बारिश जो है साल भर ही होता है। विंटर के टाइम पे जो बारिश है वो स्नो में कन्वर्ट हो जाता है और वही स्नो बन के गिरता है और पूरे साल ही बारिश यहाँ पे होता है, हर दूसरे तीसरे दिन ही यहाँ पे बारिश हो जाती है। तो अगर आप गूगल में चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एवरेज जो है यूके में 365 दिन में से 159 डेज से लेके 200 डेज तक यहाँ पे जो है बारिश ही होता है, अलग अलग सिटी में अलग अलग टाइप के मतलब डिपेंड करता है। जैसे स्कॉटलैंड साइड में आपको ज़्यादा बारिश दिखेगी, कार्डिफ जो है मोस्ट यहाँ पे रेनी सिटीज़ में आता है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन होता है, और इंग्लैंड में थोड़ा सा कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा कम यहाँ पे रेन होता है स्कॉटलैंड से, लेकिन बारिश यहाँ पे साल भर ही गिरता है, तो ऐसा कोई इतना अनप्रेडिक्टेबल वेदर होने के कारण ही यहाँ पर लोग कभी भी अगर घूमने का प्लान करते हैं तो हमेशा वेदर फोरकास्ट यहाँ पर देख कर ही जाते हैं और उस हिसाब से कपड़े भी यहाँ पे लोग पहनते हैं। और नेक्स्ट है इंडियन फेस्टिवल्स, यहाँ पे अगर क्योंकि हम लोग इंडियन हैं तो इंडियन फेस्टिवल्स का मैं बता रही हूँ, अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से हैं तो आप अपने फेस्टिवल के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। वैसे सारे ही फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं, होली, दिवाली, ईद, दशहरा, दुर्गा पूजा, सभी टाइप के गणपति, सब टाइप के ही फेस्टिवल्स जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बनी हुई है या फिर बांग्लादेशी कम्युनिटी बनी हुई है या फिर पाकिस्तान से भी जो लोग हैं उनकी भी अपनी कम्युनिटी बनी हुई है, तो अपने अपने कम्युनिटी में ये सारे फेस्टिवल्स जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट होते हैं, तो आप आराम से ऐसे टाइप के ग्रुप्स में ज्वाइन हो सकते हो और आपको बिल्कुल भी होम सिकनेस नहीं होगा, या फिर फेस्टिवल के टाइम पे जो थोड़ा सा मूड लगता है ना कि हम अपने घर पे नहीं है, मिस कर रहे, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे दूर हो जाएगी और बहुत अच्छे से यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। यहाँ पे इवन रक्षाबंधन के टाइम पे राखी वगैरह भी मिलते हैं कुछ कुछ सिटीज़ में, हम जिस सिटी में यहाँ पे अभी है तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है ये सब चीज़ मिलना, लेकिन जब हम लोग नॉटिंगम में थे तो नॉटिंगम में राखी, उसके बाद फिर गणपति के टाइम पे गणपति का जी की मूर्ति, ये सब आराम से मिल जाता था। और यहाँ पे लंदन में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया, आप वो भी चेक करना, वेम्बली का वीडियो है जिसको मिनी इंडिया कहा जाता है, तो वहाँ पर तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारे इंडियन वाले या बांग्लादेशी पाकिस्तानी जो एशियन जो सारी चीज़ें होते हैं ना अपने अपने पूजा पाठ करने का या कपड़े पहनने का, खाने पीने का, सब चीज़ वहाँ पे मिलता है, हाँ सब चीज़ मिल जाता है वहाँ पे।
तो यहाँ पे एक चीज और बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हर सिटी में ही होता है, वो है फायरवर्क्स। जैसे दिवाली दशहरा के टाइम पे लोग जो है फटाके वगैरह फोड़ते हैं और ये सब टाइप के, तो यहाँ पे जो है फायरवर्क्स होता है। और फायरवर्क्स के पहले जो है ना स्टोर्स में आपको फुलझड़ी और ये सब जो है छोटे मोटे अनार और ये सब जो है मिल जाते हैं, जैसे टेस्को एल्डी वगैरह में जो है मिल जाता है, अलग सा सेक्शन बना होता है और आपको लीफलेट मिल जाएगा, जो भी चीज़ आपको खरीदना है तो आप जाके वहाँ पे देख के और आराम से वहाँ से खरीद सकते हो और घर में आप सेफ तरीके से आके उसको जला सकते हो। और यहाँ पे फायरवर्क्स के टाइम पे बड़ा सा कोई ग्राउंड में यहाँ पे बॉन फायर नाइट बोलते हैं उसको, या फायरवर्क्स बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे जैसे आतिशबाजी काइंड ऑफ बहुत मतलब अराउंड 30 मिनट्स का रहता है, हर जगह में हर सिटी में ही होता है ये चीज़। तो 30 मिनट्स के टाइम पे अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट जो भी आतिशबाजी वगैरह होता है, डिफरेंट डिफरेंट फटाके फोड़ते हैं और मतलब यहाँ पे भी ये चीज़ होता है और बॉन फायर भी होता है उस टाइम पे। तो सब लोग मतलब जैसे हम लोग जिस एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे एक पहाड़ सा है छोटा सा, तो हम लोग उसके ऊपर चढ़ के देखते हैं, या फिर जहाँ पे हो रहा है उस एरिया में भी जाके, उस जगह में भी जाके आप एंजॉय कर सकते हो। और फाइनली न्यू ईयर सेलिब्रेशन, तो यहाँ पर दिसंबर में आपका न्यू ईयर सेलिब्रेशन 31st में बस सर्विस तो नॉर्मली बंद ही रहते हैं, तो लोग नॉर्मली घर में ही प्रेफर करते हैं, और अगर बाहर जाने का है तो फिर बाहर में नॉर्मली बैचलर्स लोग ज़्यादा जाते हैं, तो उस समय आपके पब और डिस्क में और रेस्टोरेंट्स में भी काफ़ी ऑफर भी रहते हैं, वहाँ पर लोग जाते भी हैं। रेस्टोरेंट में भी बहुत समय ऐसे डिनर का, ऐसे फीस्ट का ऐसे प्लान रहता है, तो उस हिसाब से आप पहले से बुक कर सकते हैं। बहुत समय ऐसे इंडियंस का भी कम्युनिटी रहता है, तो लोग भी प्लान करते हैं कम्युनिटी हॉल में, तो वहाँ पर भी जाके या फिर कोई पब में आप ऐसा प्लान करते हैं। ऑफिस का भी प्लान रहता है बहुत समय, तो आप वहाँ जाके ऐसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये था पूरा जनवरी टू दिसंबर तक का लोगों का लाइफ, यहाँ पे लोग किस तरीके से लाइफ लीड करते हैं, क्या क्या फेस्टिवल्स और सब चीज़ हमने डिटेल में वीडियो में बताया है। तो अगर आप यहाँ पे यूके आने का प्लान कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का लोगों का लाइफ कैसा रहता है, कहाँ पे बोरिंग है, कहाँ पे उस बोरिंगनेस को दूर करने के लिए किस टाइप के यहाँ पे चीज़ें जो है प्लान की जाती है। तो सब चीज़ आपको जो हेल्प होगा फ्यूचर में, अगर आप आना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को देख कर के आराम से डिसीजन ले सकते हो। और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जैसे हम इंडियन हैं या एशियन जितने लोग भी यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे वो पूरे साल को आराम से एंजॉय करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहाँ पे आके सर्वाइव नहीं कर पाओगे, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर है, ठंड है लेकिन ठंड जो है मैनेजेबल है, आराम से यहाँ पे आके आप एंजॉय कर सकते हो लाइफ को और लाइफ को ईजिली सेट कर सकते हो। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखना ताकि हम आपके कमेंट्स पिक कर सके और एक वीडियो बना सके आपके कमेंट्स को पढ़कर। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि हर किसी को जो है हेल्प हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहते हैं ताकि यूके में आने के लिए आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।